सीरियल कभी कभी इत्तेफाक में अब प्रकाश फोड़ेगा गुनगुन की नकली शादी का ड्रामा। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि अब गुनगुन स्टेज पर आकृति को इसका पूरा जो है क्रेडिट दे देती है और कहती है कि उसने तो उसके पति की जान बचाई है और अपनी बहन की सुहाग बचाई है, जिसके बाद अनुभव को भी गुस्सा आता है और पूरा परिवार खुश हो जाता है। देखने को मिलता है कि गुनगुन की आंखों में आंसू होते हैं और आकृति को भी गुस्से में होती है और घर पहुंचकर वो तमाशाई करती है। तो दूसरी तरफ रणवीर जी के पेरेंट्स गुनगुन के घर पहुंचते हैं और जॉइंट अकाउंट्स और पैसा इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में करवाने के लिए गुनगुन को शादी के साथ ही इन सब के काम के लिए भी लगा देते हैं और बुआ गुस्सा होती है कि ये सब कुछ बिल्कुल नहीं होगा, आप तो पैसों के लिए शादी कर रहे हैं। और गुनगुन के कैरेक्टर पर जैसे सवाल उठाते हैं, गुनगुन का रणवीर जी के पेरेंट्स पर गुस्सा फूटता है और कहता है कि तुम्हें जो करना है पैसों का करो, लेकिन मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर रणवीर जी और उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अब यहाँ पर बुआ को इस बात का बहुत गुस्सा है कि गुनगुन अपने आप को बर्बाद कर रही है, कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं निकाल रही। और दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि गुनगुन के पास में अब यहाँ पर कॉल आएगा प्रकाश का और वो उससे भी यही कह देती है कि वो शादी नकली थी। और देखने को मिलता है कि वो इसे कहता है शायद आपकी और अनुभव भैया की फिर से शादी हो रही इसलिए आप ये कह रही है ना, लेकिन गुनगुन कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी शादी नहीं हुई थी। वो गुस्से में फ़ोन काट देता है, लेकिन अब वो अपनी बहन का सुहाग बचाने के लिए अनुभव को कॉल करते नजर आएगा और इस नकली शादी को रोकते नजर आएगा। देखने को मिलने वाला है कि अनुभव यहाँ पर घर में भी गुस्सा होता है और आकृति भी नौटंकी करते नजर आती कि ये सब कुछ तो महान बनने के लिए गुनगुन ने सबके सामने ऐसा किया है। इसके बाद में अनुभव तो पहुंच जाता है अपने इंस्टीट्यूट और वहां पर उसकी मैम उसकी कुछ रिपोर्ट्स में मिस्टेक की वजह से उसको डांट लगाते नजर आती है। तो वहीं पे गोलू चाचा भी अनुभव को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो साफ कह देता है कि वो गुनगुन का ही फैसला है, उसकी दूसरी शादी का मेरा कोई फैसला नहीं है। जिसके बाद में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर प्रकाश अब यहाँ पर भांडा फोड़ते नजर आएगा और कॉल लगाएगा सीधा अनुभव को कि गुनगुन ये सब जो कर रही है वो सब कुछ नौटंकी है। तो दूसरी तरफ बुआ भी अब अनुभव को समझाने की कोशिश करेगी और वो भी उससे खुलासा करेगी कि गुनगुन अपने आप को बर्बाद करिए, अगर रोक सको तो रोक लो। और अनुभव ही अब यहाँ पर गुनगुन की बर्बादी को रोकते नजर आएगा।